हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर यूरिन एग्जामिनेशन नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। ठीक है, कोई से भी एग्जाम हो, एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते ही बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे ध्यान से पूरे फोकस के साथ इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस टॉपिक की, यूरिन एनालिसिस, या फिर जिसे हम यूरिन एग्जामिनेशन भी कहते हैं। यूरिन एनालिसिस क्या होता है, इसके अंदर हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब कुछ आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यूरिन एनालिसिस से। व्हाट इज यूरिन एनालिसिस? सबसे पहले देखते हैं कि यूरिन एनालिसिस आखिर में है क्या। तो यूरिन एनालिसिस आल्सो कॉल्ड यूरिन एनालिसिस एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको हम यूरिन एनालिसिस एग्जामिनेशन भी कहते हैं। Also known as urine routine and microscopy. डॉक्टर लिखते हैं ना स्लिप पे, जब भी भेजते हैं तो उस पर लिखा हुआ रहता है यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, यानी कि रूटीन के टेस्ट में और माइक्रोस्कोपी दोनों ही उसमें आ जाती है। तो इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं वो सभी हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आगे अभी देखेंगे, तो आपको ये समझ में आया कि यूरिन एनालिसिस आखिर में है क्या। वॉट इज यूरिन एनालिसिस, यानी कि यूरिन का एनालिसिस। यूरिन को हिंदी में कहते हैं पेशाब, यानी कि पेशाब का एग्जामिनेशन हम करते हैं कि कहीं उसमें कुछ ऐसा बैक्टीरिया तो नहीं प्रेजेंट है, या फिर असेंशन जो कंपाउंड होते हैं, या फिर असेंशन कंपोनेंट, या फिर हम कहें तो जो असेंशियल यानी कि जरूरी चीजें जो होती है जो कि यूरिन में नहीं निकलनी चाहिए, कहीं वो तो नहीं निकल रही है। तो ये सारा हम यूरिन के अंदर एग्जामिनेशन करते हैं, इसीलिए हम इसको यूरिन एनालिसिस एग्जामिनेशन कहते हैं। इसको हम रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कहते हैं। व्हाई यूरिन एनालिसिस हम क्यों करते हैं? जनरल इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो हेल्थ है वो सही साठ है या नहीं, या फिर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट। अब हम इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर किडनी डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए क्यों करते हैं, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम ये करते हैं, अभी आगे देखना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किडनी के लिए क्यों करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए क्यों करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ अदर सिस्टेमिक डिसीज दैट आफ्टर किडनी इन्फेक्शन, आपको कोई किडनी इन्फेक्शन तो नहीं है, किडनी इन्फेक्शन के कारण कोई ऐसी सिस्टमिक डिसीज तो नहीं हुई है, ये सब हम डायग्नोसिस कर सकते हैं यूरिन एनालिसिस के द्वारा। मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट विद डायबिटीज, यानी कि पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, उसके लिए भी हम यूरिन एनालिसिस करते हैं, या फिर डायग्नोसिस ऑफ जॉइंटिस एंड अदर इन्फेक्शन। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हम क्यों करते हैं, ये पता तो है हमें कि इसलिए करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्नोसिस ऑफ जॉइंटिस के लिए, या फिर कोई अगर इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, एनी इन्फेक्शन को डायग्नोसिस हम यूरिन के द्वारा कर सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया भाई कि यूरिन एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं, यूरिन एनालिसिस आखिर है क्या। समझ में ये आना चाहिए कि आखिर ये यूरिन क्या है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि यूरिन क्या है। यूरिन इज द स्टार कलर्ड लिक्विड एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ बॉडी विच इज सिक्रेटेड बाय किडनी एंड एक्सक्रीटेड बाय यूरेथ्रा। कुछ समझ में आया कि ये जो यूरिन है वो एक स्ट्रा कलर का या फिर पैल येलो कलर का एक लिक्विड है, जो कि एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो कि हमारे बॉडी का किसी काम का नहीं है। ठीक है, एक्सक्रीटरी मतलब कि बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देती है, जो हमारे काम का नहीं है भाई, उसको हम निकालेंगे ही सही ना। तो बॉडी हमें, हमारी बॉडी उस यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देती है, विच इज सिक्रीटेड बाय, किसके द्वारा वो सिक्रीट हो रहा है, किडनी के द्वारा। अब समझ में आया कि किडनी का ओव्यूलेशन हम क्यों करते हैं। ठीक है, यूरिन के द्वारा हम किडनी का ओव्यूलेशन कर सकते हैं क्योंकि किडनी के द्वारा हमारे यूरिन सिक्रीट हो रहा है और एक्सक्रीट हो रहा है वो यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है,
अब देखते हैं हम कि ये जो यूरिन है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। वैसे तो यूरिन का फॉर्मेशन हम डिटेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे यूरिन पढ़ रहे हैं, यूरिन का एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। ठीक है, तो यूरिन इज एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच ग्लूकोज अमाइनो एसिड वाटर एंड अदर सब्सटेंस एसेंशियल टू बॉडी मेटाबॉलिज्म हैव बीन रीअब्सॉर्ब्ड। अब ये क्या है देखते हैं। देखो, हमें इतना पता है कि हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर होने के लिए किसके पास जाता है, किडनी के पास। किसके पास जाता है, किडनी के पास। ब्लड किडनी में फिल्टर होगा। अब किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन नेफ्रोन्स में, जैसे ये हमारा नेफ्रोन्स है, नेफ्रोन्स में यहाँ पर एक ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और इसी के यहाँ पे, इसी के अंदर हमारा ब्लड फिल्टर होता है। तो एक आर्टरी होती है जिसे हम कहते हैं अफेरेंट आर्टरियोल्स, जो कि हमारे ब्लड को लेकर आता है किडनी के पास फिल्टर होने के लिए। तो ये यहाँ पर हमारा ब्लड आया ग्लोमेरुलस के पास, यहाँ पर छन्नी लगी हुई होती है। जैसे हम चाय छानते हैं तो वो पत्ती ऊपर ऊपर छन जाती है और चाय हमारे नीचे आ जाती है। ठीक है, तो सेम वैसा ही इसमें होता है कि हमारा ब्लड इसके पास में आता है। अब हमारे ब्लड के अंदर देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है यानी कि प्रोटीन होता है, बहुत सारे सब्सटेंस हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। तो जो जरूरी काम की चीजें हैं, ब्लड फिल्टर क्यों करते हैं, अच्छा ये बताओ। ठीक है, कि जो जरूरी काम की चीजें हैं वो छान लेते हैं, जो हमारे ब्लड में काम का नहीं है हमारी बॉडी के लिए वो किडनी के थ्रू फिल्टर करके और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये ब्लड हमारी किडनी में आया ग्लोमेरुलस के पास, यहाँ पर छन्नी होती है, उसमें यहाँ पर छन जाता है ब्लड। छनने के बाद में फिर से ये ब्लड जो छन गया है, जो प्योर ब्लड है, वो हमारी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है? बाकी जो रीअब्सॉर्ब हो गया है, सॉरी, जो ब्लड फिल्टर हो गया है, फिल्टर होने के बाद में जो बचा कुचा था वो ट्यूब्यूल्स में चला गया। ठीक है, वो तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना है। जो वेस्ट है, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, ये हमारे बॉडी में काम के नहीं है, तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना है। तो ये यहाँ पर छन गए हैं, छन के जो काम की चीजें थी वो उसने ले ली, जो नहीं थी वो एक्सक्रीट आउट कर दी। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे जो असेंशियल प्रोटीन होते हैं या फिर असेंशियल सब्सटेंस हम कहें, तो वो होते हैं जो छन जाते हैं। तो हमारी बॉडी क्या है कि बहुत समझदार है, वो जाने नहीं देती इतनी आसानी से कि भाई हमने इतनी मुश्किल से लिया है तो हम ऐसे ही जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो वो क्या करती है, यहाँ पर जो ऐसी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जो फिर से इसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। ये जो यहाँ पर फिल्टर होकर आया है, यहाँ से वो फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेगी। एक प्रोसेस हो गई, देखो यहाँ पे चार प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस हो गई फिल्ट्रेशन, सेकेंड प्रोसेस जो वो आती है रीअब्सॉर्प्शन। फिल्टर हो गई, ब्लड पहुंचा दिया है। अब ये जो नीचे आया है हमारा, यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर जो आया है, यहाँ से फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेगी कि भाई ये जो फ्लो हो रहा है इसमें से फिर से जो काम की चीजें हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, और भी अदर ऐसे सब्सटेंस हो गए जो हमारे काम के हैं, जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होने चाहिए, ये फिर से हमारी बॉडी उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। रीअब्सॉर्ब करने के बाद में फिर वो क्या करती है, सिक्रीशन करती है। तो फर्स्ट स्टेप हो गई, एक मिनट, देखो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हो गई, यहां पर फिल्ट्रेशन, यहां पर फिल्टर हो गया है। सेकंड, यहां पर रीअब्सॉर्प्शन हो गया है। थर्ड आता है सिक्रीशन। रीअब्सॉर्ब करने के बाद में उसने फिर से दे दिया कि भाई लो ये सिक्रीट कर दो, अब हमने इसमें से सारे जो एसेंशियल, जो जरूरी काम की चीजें थी हमने इसमें से निकाल ली है, अब आप इसको सिक्रीट कर सकते हो। तो ये सिक्रीट करने के बाद में ये यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये हमारी चार स्टेप यहाँ पर होती है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीशन मतलब कि फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन, ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन। फिल्टर हो गया, रीअब्सॉर्ब हो गया, सिक्रीट होने के बाद में जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो भाई ये यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है, यानी कि यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट है,
ब्लड में सब फिल्टर हो गया, सब रीअब्सॉर्ब भी कर लिया, अब जो बचा कुचा क्या है जो हमारे बॉडी के किसी काम का नहीं है वो हमें एक्सक्रीट आउट करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इज एन अनफिल्ट्रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच ग्लूकोज अमाइनो एसिड वाटर इन अदर सब्सटेंस असेंशियल टू बॉडी मेटाबॉलिज्म हैव बीन रीअब्सॉर्ब। ठीक है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत काम का है ये फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और फिर देन एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है जो हमारे बॉडी के किसी काम का नहीं है। तो यूरिन कैरीज वाटर प्रोडक्ट एंड एक्सेस वाटर आउट ऑफ बॉडी। ठीक है, अब ये जो यूरिन है, अब इस यूरिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है, यूरिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, जो सिक्रीट हो रहा है, जो एक्सक्रीट हो रहा है उस यूरिन के अंदर यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है हम देखते हैं। तो ये जो यूरिन बना है, यूरिन कंसिस्ट ऑफ 96% तो हमारे यूरिन के अंदर वाटर होता है और 4% डिसॉल्व सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिसमें से 2% क्या होता है यूरिया होता है और 2% क्या होता है अदर कंपाउंड होते हैं। अदर कंपाउंड में जैसे देखें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, अमाउंट ऑफ सल्फेट भी होता है इसमें, कुछ अमाउंट थोड़ा सा सल्फेट का भी होता है इसके अंदर। तो यूरिन के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब हम यूरिन एग्जामिनेशन आखिर करते क्यों हैं? क्यों हम फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, क्यों हम केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं और क्यों हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं? हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे किडनी में कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो गया जिसके कारण ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है तो उसमें जो असेंशियल सब्सटेंस है वो तो नहीं निकल रहे हैं, जैसे ग्लूकोज तो नहीं आ रहा है यूरिन में, प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में बहुत काम की चीज है, इनको एक्सक्रीट नहीं होने दे सकते, या फिर आरबीसी तो नहीं आ रही है। ये सब हम यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं तब हमें पता चलता है। क्लियर है? तो ये हमारा यूरिन है, यूरिन के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब यूरिन एग्जामिनेशन हम जब करते हैं तो हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो अब हमारे सैंपल का जो है वो अलग अलग टाइम, अलग अलग पर्पस उसका होता है। जैसे हम सबसे पहले देखें तो रैंडम स्पेसिमेन हम कलेक्ट करते हैं। रैंडम स्पेसिमेन मतलब कि नो स्पेसिफिक टाइम, मोस्ट कॉमन टेकन एनी टाइम ऑफ डे, दिन में आप कभी भी उसको ले सकते हो, जिसे हम कहते हैं रैंडम। जैसे रैंडम शुगर करते हैं वैसे इसे हम रैंडम स्पेसिमेन यूरिन का लेते हैं जब एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप दिन में कभी भी एग्जामिनेशन करवा सकते हो, रूटीन स्क्रैनिंग के लिए या फिर केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भी यूज में लेते हैं। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। उसके बाद आता है मॉर्निंग स्पेसिमेन। मॉर्निंग स्पेसिमेन हम क्यों लेते हैं? तो फर्स्ट यूरिन इन द मॉर्निंग मोस्ट कंसंट्रेटेड, यानी कि जो फर्स्ट यूरिन होता है आफ्टर 24 आवर, जो फर्स्ट यूरिन होता है वो कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं मॉर्निंग सैंपल। तो वो क्या होता है? मोस्ट कंसंट्रेटेड होता है, जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए या फिर माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के लिए हम मॉर्निंग सैंपल लेते हैं। अब क्लीन कैच मेडिस्टिम सैंपल, यानी कि डिस्कार्ड फर्स्ट फ्यू एमएल। मेडिस्टिम सैंपल मतलब होता है कि जो फर्स्ट का जो आप यूरिनेट कर रहे हो, फर्स्ट वॉल्यूम को आपको डिस्कार्ड करना है, जो मेडिस्टिम जो बीच का यूरिन है उसको आपको कलेक्ट करना है, कलेक्टरिस। ठीक है, जो कल्चर होता है ना उसके लिए ये मेडिस्टिम यूरिन लिया जाता है। अब 24 आवर सैंपल, 24 आवर में ऑल द यूरिन पास आउट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट एंड द नेक्स्ट डे फर्स्ट सैंपल इज कलेक्टेड। अब इसमें क्या करना है आपको कि ऑल द यूरिन पास ड्यूरिंग द डे, पास्ट करना है ड्यूरिंग द डे में, वो जो नाइट का जो है, नाइट में आपको नहीं जाना है यूरिनेशन के लिए, और नेक्स्ट डे का जो फर्स्ट सैंपल होता है उसको हमें कलेक्ट करना रहता है। ये हम क्यों करते हैं? क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस के लिए। देखो यहाँ पे सबका मैंने दिया है कि सैंपलिंग हम क्यों करते हैं रैंडम, उसका पर्पस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं से भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप कोई सा भी इसमें से पॉइंट मिस ना करें बिल्कुल भी, कि ये काम का नहीं हो सकता है, सभी काम का है, सभी आपको पढ़ना है। ठीक है, पोस्ट प्रांडियल में क्या करना है कि 2 आवर आफ्टर मील, यानी कि 2 घंटे खाना खाने के 2 घंटे के बाद में आपको यूरिन देना है। ये हम क्यों करते हैं भाई? ग्लूकोज के, यानी कि डायबिटीज की कंडीशन में हम लेते हैं, तो ग्लूकोज के डिटरमाइन के लिए करते हैं इन डायबिटिक मॉनिटरिंग। तो आपको ये समझ में आया कि सैंपल कौन से टाइम पे लेना है, कैसे लेना है और क्यों लेना है।
अब आता है प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन। प्रिजर्वेशन मतलब कि यूरिन को प्रिजर्व करना पड़ता है, कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम प्रिजर्व करके रखते हैं यूरिन को। तो प्रिजर्वेशन हम कौन कौन से यूज करते हैं, जैसे एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं ना ब्लड के प्रिजर्वेशन के लिए, सेम वैसे यूरिन के प्रिजर्वेशन के लिए भी हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। टेस्ट टू बी डन विद इन 2 आवर, यानी कि आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। कैन बी कैप्ड एट 4 to 6 degrees Celsius। अगर आपको टाइम लग रहा है उसको तो लगभग 8 घंटे तक अगर आप उसको एग्जामिन कर रहे हो तो आप उसको 4 to 6 degrees Celsius तक रख सकते हो, पर रख सकते हो। अब आती है बात, अगर आप रूटीन एनालिसिस कर रहे हो ठीक है, तो उसमें वैसे तो प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती है रूटीन एनालिसिस में, लेकिन प्रिजर्वेटिव यूज कब किया जाता है, जब आप 24 आवर का सैंपल ले रहे हो ठीक है। कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें तो HCl प्रिजर्वेटिव बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है ना, एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन की कौन से प्रिजर्वेटिव यूरिन के लिए यूज में लिए जाते हैं, शायद प्रीवियस जो एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा था इसमें से क्वेश्चन। जैसे एड्रेनलिन हो गया, नॉन एड्रेनलिन या स्टेरॉइड के एग्जामिनेशन के लिए हम HCl प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। अगला आता है टॉलोइन, जो टॉलोइन जो होता है वो केमिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं यूरिन का, तो उसके लिए यूज करते हैं। बोरिक एसिड जनरल प्रिजर्वेटिव जो होता है उसमें लिया जाता है इसको। अदर थाइमोल इनहिबिट बैक्टीरिया एंड फंगाई। अगला है फॉर्मेलिन जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं उसके डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं, सॉरी उसके प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज में लेते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रिजर्वेटिव जो यूरिन सैंपल के लिए हम यूज में लेते हैं। अब जो यूरिन एनालिसिस हम करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन हम करते हैं, तो ये 3 तरीके से करते हैं। हमने ये देख लिया कि यूरिन एग्जामिनेशन क्या है, क्यों करते हैं, कब सैंपल कलेक्ट करना है, कैसे पर्पस इसका क्या होता है। बात अब ये आती है कि हम जो यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं वो कौन कौन से तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके होते हैं यूरिन एग्जामिनेशन के। फर्स्ट वन होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, और तीसरा होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन हम समझे तो हम उसको देख कर बता सकते हैं कि भाई इसमें ये एबनॉर्मलिटीज हो सकती है या फिर ये एबनॉर्मलिटीज आ रही है ठीक है। अब बायोकेमिकल एग्जामिनेशन मतलब कि यूरिन में आपको एग्जामिनेशन करने के लिए किसी केमिकल का यूज करना पड़ रहा है तो उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मतलब कि जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर क्रिस्टल हो गया, तो इन चीजों को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप का यूज ही हम क्यों करते हैं, जब हम किसी को खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं तो हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं, तो उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। अब ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन है जो हम देख के बता सकते हैं यूरिन को कि इसमें ये एबनॉर्मलिटी है, तो क्या क्या उसमें हम देखते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम एक तो उसकी वॉल्यूम देख के बता सकते हैं, कलर देखकर, ऑर्डर देखकर, टर्बिडिटी देखकर, रिएक्शन और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीजें आती है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। अगला आता है बायोकेमिकल एग्जामिनेशन। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन में वो चीजें आती है जैसे प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, कीटोन बॉडीज हो गया, बाइल एसिड हो गया, बाइल पिगमेंट हो गया और ब्लड हो गया। अब ये क्या है कि बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं, इनको इस तरीके से यूरिन में हम वेस्ट नहीं जाने दे सकते ठीक है। इतनी मेहनत से भाई हम ये लाए हैं, ऐसे कैसे जाने दें। तो इनको डायग्नोसिस करने के लिए कि कहीं ब्लड में प्रोटीन तो नहीं है, सॉरी कहीं यूरिन में प्रोटीन तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, कीटोन बॉडीज तो नहीं है, बाइल सैट तो नहीं है, ब्लड तो नहीं आ रहा है, तो ये सब हम केमिकल एग्जामिनेशन के द्वारा देख सकते हैं। अगला आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आता है सेल, क्रिस्टल, कास्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट और या फिर कोई कंटामिनेशन अगर यूरिन के अंदर हो, तो ये सारा हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो ये क्या है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको एक क्लास में कवर नहीं कर सकते। तो आज हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में हम बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पढ़ेंगे।
तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें हम वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, टर्बिडिटी, रिएक्शन और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए। तो एवरेज 24 आवर्स में हम देखते हैं, यानी कि 24 घंटे का हम देखते हैं वॉल्यूम। तो यूरिन आउटपुट जो होता है वो 800 टू 2000 ml होना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन होता है वो 24 घंटे में 800 से 2000 ml यूरिन जो होता है वो पास आउट करता है, यूरिनेट करता है। अब ये जो वॉल्यूम होती है वेरियस अकॉर्डिंग टू फ्लूइड इंटेक, डाइट एंड क्लाइमेट, ठीक है, ये वेरियस हो सकती है। किसी फ्लूइड अगर आपने ज्यादा मात्रा में लिया है, ज्यादा मात्रा में पानी पी लिया है या कम मात्रा में पानी पिया है, डाइट के कारण ये वॉल्यूम चेंजेस हो सकती है। लेकिन जैसे अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो यूरिनेट कर रहे हो तो वो हो सकता है कि किडनी डिसीज हो सकती है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्या कारण होता है, कितना वॉल्यूम हम कम ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा और ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो हम देखते हैं। एबनॉर्मलिटीज क्या क्या हो सकती है इसमें, ठीक है, यूरिन में। तो सबसे पहला आता है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया मीन्स क्या होता है, देखो पोली मतलब क्या होता है, ज्यादा। अब यहीं से आप समझ लो, पोली मतलब ज्यादा, मतलब कि ज्यादा यूरिनेट कर रहे हो। मीन्स यूरिनरी वॉल्यूम जो होती है वो अगर 2000 ml से ज्यादा अगर आप यूरिन कर रहे हो पर 24 आवर में, तो मतलब कि उसे कहेंगे हम पोलीयूरिया। पोली मतलब कि ज्यादा, यानी कि मैनी। अब वो किस किस कारण से हो सकता है, एक तो हो सकता है डायबिटिस मेलाइटिस की कंडीशन में, डायबिटिस इंसिपिडस की कंडीशन में, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर की कंडीशन में और डायूरेटिक थेरेपी में डायबिटीज आ गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप 2000 ml से ज्यादा यूरिन पास आउट कर सकते हो, मतलब कि इस कंडीशन में 2000 ml से ज्यादा यूरिन पास आउट होता है, अगर 2000 ml से ज्यादा हो रहा है तो। या फिर वाटर इंजेक्शन अगर आपने ज्यादा कर लिया है, भाई ज्यादा मात्रा में पानी पियोगे तो बार बार जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला आता है ओलिगोयूरिया। अब इसको याद कैसे रखना है आपको, इसको आप याद रखोगे आगे के दो पढ़ने के बाद, ऐसा क्यों मैं बताऊंगी। ओलिगोयूरिया का मतलब समझ लीजिए पहले, मींस यूरिनरी वॉल्यूम। अगर आप 400 ml से कम यूरिन कर रहे हो, ठीक है, कम यूरिन पास आउट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ओलिगोयूरिया। पर 24 आवर में अगर 400 ml से कम अगर यूरिन पास आउट कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ओलिगोयूरिया। किस कंडीशन में हो सकता है ऐसा, फेब्राइल स्टेट में हो सकता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हो सकता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, भाई पानी कम पियोगे तो कम यूरिन करने जाओगे, तो उसकी कंडीशन में हो सकता है। अगला आता है एन्यूरिया। एन्यूरिया का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एन से समझे हम, एन का मतलब समझे हम अब्सेंस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब्सेंस मीन्स यूरिनरी आउटपुट जो होता है वो लेस देन 100 ml पर 24 आवर, या हम कह सकते हैं कि वो यूरिन करने ही नहीं गया 24 घंटे के अंदर, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एन्यूरिया, ठीक है। मीन्स यूरिनरी आउटपुट लेस देन 100 ml या फिर कंप्लीट अब्सेंस ऑफ यूरिन आउट, इसको कैसे याद रखना है, एफ और अब्सेंस, ठीक है, अब्सेंस यानी कि एन्यूरिया। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की कंडीशन में आप यूरिन पास आउट अगर 24 आवर में नहीं हो रहा है तो उसको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है, या फिर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की कंडीशन में, या फिर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में। अब ये ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि यहीं से तो ब्लड फिल्टर होकर हमारे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था, ट्यूबुलर नेक्रोसिस यहीं से तो एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है। तो ये सारे किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। अगला आता है कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उसके कारण भी यूरिन पास आउट नहीं होगा। अब आता है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया को आप याद रखोगे एंड फॉर नाइट, ठीक है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इन नाइट। अगर आप नाइट में बार बार यूरिन करने जा रहे हो तो उस कंडीशन को हम कहेंगे नॉक्चूरिया। तो इसको एंड फॉर आप याद रखोगे नाइट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया वॉल्यूम का।
नॉक्चूरिया मतलब की नाइट में, एन्यूरिया मतलब की अब्सेंस, पोली मतलब की मैनी। अब बच क्या रहा है हमारा, केवल और केवल ऑलिगोयूरिया, तो उसको आप याद रख सकते हो इजीली। एक चीज तो आप याद रख ही सकते हो भाई, बाकी तो आप सबने नाम से याद रख लिया, पर ओलिगोयूरिया को आपको ऐसे याद रखना है कि लेस देन 400 ml अगर आप से कम अगर आप यूरिन पास आउट कर रहे हो तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ओलिगोयूरिया। क्लियर है? वॉल्यूम आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकेंड पैरामीटर जो हमारा आता है उसमें, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारे यूरिन में कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कलर। अब यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है वो कौन सा होता है, पेल येलो कलर या फिर अंबर कलर हम इसको कहेंगे। किसके कारण यूरिन का कलर जो होता है वो पेल येलो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पे स्टार लगा लो। ठीक है, हमें ये तो पता है कि यूरिन का कलर पेल येलो होता है, लेकिन होता क्या है, क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं यूरोक्रोम या फिर यूरोबिलिन या फिर यूरोरिथ्रिन। ठीक है, यूरोक्रोम या यूरोबिलिन जो होता है जिसके कारण हमारे यूरिन का कलर पेल येलो होता है। ये सारे कलर मैंने आप हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। मैंने जो यहाँ पे आपको बताया है कि ये लाइट येल्लो है, अंबर है, रेड है और ब्राउन है, ये सारे अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा कलर होगा तो क्यों होगा, किस कंडीशन में हो सकता है। अब हमने देख लिया कि नॉर्मल यूरिन का कलर जो होता है वो पेल येल्लो होता है। अब एबनॉर्मल कलर हम इसके देखेंगे कि अगर हमें यूरिन का कलर कलरलेस दिख रहा है, कोई कलर ही नहीं है उसमें, तो किस कंडीशन में उसका कलर जो होता है वो कलरलेस हो सकता है। डाइल्यूट यूरिन, अगर यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो उस कंडीशन में कलरलेस दिख रहा है। आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो आपने देखा होगा, कभी कभी हुआ होगा आपके साथ भी कि बहुत ज़्यादा जब पानी पी लेते हो तो कलर जो होता है वो कलरलेस आता है। डायबिटिस मेलाइटिस की कंडीशन में या फिर डायबिटिस इंसिपिडिस की कंडीशन में या फिर ओवर हाइड्रेशन, मैंने आपको बताई दिया है, उस कंडीशन में भी कलरलेस यूरिन हो सकता है। अगला आता है भाई रेड कलर। रेड कलर यूरिन का रेड कलर भी होता है। अभी हम देखेंगे कि भाई सारे तो कलर हमने ले लिया, बचा कौन सा है। ठीक है, हिमेचूरिया। हिमेचूरिया का मतलब होता है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि रेड कलर जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है या आरबीसी के कारण होता है, तो आज पता चल जाएगा आपको कि अगर रेड कलर जो होता है वो उसमें आरबीसी प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हीमेचूरिया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आरबीसी प्रेजेंट है तो हीमेचूरिया, ठीक है, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे हीमोग्लोबिन यूरिया, या फिर पोर पाइरिया की कंडीशन में भी यूरिन का कलर जो होता है वो हमें रेड दिखाई देता है। भाई अगर आरबीसी का कलर रेड होगा, अगर आरबीसी आपके ब्लड में यूरिन में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली जो यूरिन का कलर है वो रेड होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो भी रेड होगा। पर अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है या हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है? बड़ा ही क्वेश्चन, मतलब खतरनाक सवाल है भाई, हम कैसे पता लगाएंगे? दोनों का ही तो कलर रेड है। पता ऐसे लगेगा कि ये जो आरबीसी है, जब हम यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो आरबीसी अगर उसमें प्रेजेंट है तो आरबीसी तो सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, आरबीसी सेटल डाउन हो जाएगी तो उसका कलर जो होता है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो उसका कलर जो होता है वो एज इट इज रहेगा, जिसका कलर है उसका वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें आरबीसी सेटल डाउन नहीं होगी। हीमोग्लोबिन अच्छा कब प्रेजेंट होगा यूरिन में? आरबीसी का जब ब्रेक डाउन होता है, हमने पढ़ा था लीवर में, जब लीवर एग्जामिनेशन हमने पढ़ा था, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें हमने अच्छे से समझा कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो कैसे होता है, क्या होगा, किस कंडीशन में ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज होगा? हीमोग्लोबिन। अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, तो हमारे यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। और अगर ग्लोमेरुलस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ग्लोमेरुलस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस वक्त आरबीसी जो होती है वो क्या होगी? यहाँ पर ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम होगी मतलब कि फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, मतलब कि आरबीसी जो होती है वो ही पूरी फिल्टर हो रही है, यहाँ पर निकल के आ रही है, तो उस कंडीशन में आरबीसी प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके का कलर जो होता है वो यूरिन का हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं ब्लैक कलर।
ब्लैक कलर जो है वो यूरिन का हमें कब देखने को मिलता है? इस तरीके का जो है वो ब्लैक कलर हमें देखने को मिलता है, वो आता है एल्केप्टोन यूरिया। एल्केप्टोन यूरिया जो होता है वो एक जीन डिफेक्ट या हेरिडिटी डिसऑर्डर जिसे हम कह सकते हैं, तो उस कंडीशन में यूरिन का ब्लैक कलर हमें देखने को मिलता है, ये जीन डिफेक्शन के कारण होता है। ठीक है, मसल्स इंजरी में भी हो सकता है या फिर मेलेनिन या मायोग्लोबिन की प्रेजेंस में भी यूरिन का कलर ब्लैक देखने को मिलता है। ब्लैक कलर ड्यू टू फिनॉल पॉइजनिंग और हीमोग्लोबिन कन्वर्ट टू मेथेमोग्लोबिन। यहाँ पे जो ब्लैक कलर होता है वो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, हीमोग्लोबिन मेथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ब्लैक कलर यूरिन का देखने को मिलता है। अब आता है येल्लो यूरिन का कलर। अब आप सोचोगे यूरिन का कलर तो येल्लो ही होता है, नहीं, पहले येल्लो कलर यूरिन का होता है। तो येल्लो कलर हमें कब देखने को मिलेगा? जब कंसंट्रेटेड यूरिन होगा ड्यू टू डिहाइड्रेशन, फीवर या लीवर डिसीज, इस कंडीशन में हमें यूरिन का कलर जो होता है वो थोड़ा सा येल्लो देखने को मिल सकता है। या थोड़ा बहुत डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, पानी पीने के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये कोई ज्यादा ये खतरनाक बात नहीं है। डार्क येलो हमें दिखाई देगा, तो डार्क येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन प्रेजेंस है, बिलीरुबिन प्रेजेंस होगा तो क्या होगा? जॉइंटिस होगा, उसमें आपको देखने को मिलता है कि आपकी आंखें पीली दिखाई देने लग जाती है, नेल्स आपको पीली पीली दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो स्किन के कुछ पार्ट जो होते हैं वो बिलीरुबिन अगर आपका इंक्रीज होता है तो वो येलो येलो कलर का दिखाई देने लग जाता है, और उसी कंडीशन में यूरिन का कलर जो होता है वो भी डार्क येलो कलर का हो जाता है ड्यू टू जॉइंटिस। ये इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। अब डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर भी यूरिन का देखने को मिलता है ड्यू टू लीवर या फिर किडनी डिसऑर्डर अगर आपको कोई हो जाता है, तो उस कंडीशन में यूरिन का कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन हमें देखने को मिलता है। अब आता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर मतलब कि एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजन। अब ये यूरोबिलिनोजन क्या है? जब हमने आरबीसी का ब्रेकडाउन पढ़ा था, अगर आपने लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या बनता है। अभी मैं उससे बीच की प्रोसेस नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है? बिलीरुबिन बनता है। ठीक है, बिलीरुबिन फे बिलीरुबिन जो होता है, फिर यहाँ से बिलीरुबिन बनने के बाद में फिर पता है यूरोबिलिनोजन बनता है। यूरोबिलिनोजन ये बहुत लंबी प्रोसेस है, अभी यहाँ पे हम नहीं समझेंगे, ये आप वहां पे जाके समझ लीजिएगा। तो ये जो यूरोबिलिनोजन बनता है, ये यूरोबिलिनोजन जो होता है वो 90% तो होता है जो हमारे स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाकी का जो 10% होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, तो अगर एक्सेस अमाउंट में यूरोबिलिनोजन एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो मतलब कि यूरिन का कलर जो होता है वो ऑरेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 10% तो होता ही है, लेकिन 10% से अगर ज्यादा हो रहा है तो यूरिन का कलर ऑरेंज हो सकता है, या फिर पोर्फोबिलिनोजन के कारण या फिर कोई एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग के कारण भी यूरिन का कलर जो होता है वो ऑरेंज हो सकता है। अब मिल्की वाइट, मिल्की वाइट किस कंडीशन में होगा भाई? मिल्की व्हाइट होगा या तो काइल यूरिया हो गया हो, या फिर क्रिस्टल प्रेजेंट हो, या फिर फैट प्रेजेंट हो, या फिर कोई यूटीआई इंफेक्शन हो। अमोनिया है यहाँ पे, है ना, अमोनिया अकर व्हेन यूरिया इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। यानी कि अगर आपने बहुत देर तक यूरिन को रखा है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया क्या करता है, यूरिया को डिकम्पोज कर देता है और अमोनिया का फॉर्मेशन उसके अंदर हो जाता है। इसी कारण आफ्टर स्टैंडिंग जो होती है यूरिन की जो गंध आती है वो अमोनिकल आने लग जाती है। नॉर्मली एरोमेटिक आती है, और अगर आपने बहुत देर तक रखा है तो अमोनिकल आने लग जाती है। क्यों आती है? बैक्टीरिया जो होता है वो यूरिया को डिकम्पोज कर देता है अमोनिया में। नॉर्मली यूरिन के अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है, क्रिएटिनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले। अब सम एबनॉर्मल ऑर्डर्स विद एसोसिएटेड कंडीशन आर, एबनॉर्मल ऑर्डर कौन कौन सी आ सकती है? एक तो फ्रूटी आ सकती है, फ्रूटी आएगी मतलब कि या तो डायबिटीज की कंडीशन है भाई, ग्लूकोज की स्मेल जैसे आती है, स्टारवेशन या फिर कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में फ्रूटी स्मेल आपको आ सकती है। माउसिस या मोस्टी जिसमें हम कहते हैं, तो वो फिनाइल कीटोन यूरिया के कारण आ सकती है। टीशी,
फिशी यूरिन के स्मेल कब आती है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर विद प्रोटियस, प्रोटियस जो बैक्टीरिया होता है ना उसके कारण भी आ सकती है। फिशी स्मेल आती है ना फिश जैसी, तो उसको हम कहेंगे फिशियल। अमोनिकल, अमोनिकल कब आ सकती है? या तो कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो किसी बैक्टीरिया के कारण हो सकता है लाइक इकोलाई, या फिर ओल्ड स्टैंडिंग यूरिन के कारण भी आ सकती है जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पर कि अमोनिकल ऑर्डर के कारण आ सकती है। अगला देखते हैं, स्मेल भी हमने देख ली कि कैसे स्मेल आती है और अगर कैसी आएगी तो किस कंडीशन में आएगी। रिएक्शन यानी कि पीएच, पीएच कितना होना चाहिए यूरिन का, तो पीएच इज द स्केल फॉर मेजरिंग एसिडिटी और एल्केलाइनिटी। पीएच हमें पता ही, हम क्यों मेजर करते हैं कि यूरिन जो है वो एसिडिटी है, एसिडिक है या फिर एल्केलाइनिटी उसमें, यानी कि एल्केलाइन है यूरिन या फिर एसिडिक है। तो वैसे हालांकि वो तो डिपेंड करता है कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, उस कंडीशन में भी यूरिन जो होता है वो मोर एसिडिक या मोर एल्केलाइन हो सकता है। जैसे हम बात करें कि जो वेजिटेरियन है उनका यूरिन अक्सर जो है वो एल्केलाइन देखने को मिलता है, और जो नॉन वेजिटेरियन है, जो स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन है ना, उनका यूरिन अक्सर जो है वो एसिडिक देखने को मिलता है। बाकी और जो एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है इसके कारण कई, तो वो हम अभी देखते हैं। फ्रेश यूरिन इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ पीएच अपॉन स्टैंडिंग यूरिन, ठीक है, हमें अगर आप पीएच मेजरमेंट करना है उसका तो फ्रेश यूरिन की जरूरत होती है, तो यूरिन हमेशा उसमें फ्रेश लेते हैं। नॉर्मल पीएच कितना होता है किसका, यूरिन का, तो 4.7 to 7.8, मतलब कि यूरिन तो भाई एसिडिक भी होता है और एल्केलाइन भी होता है, ठीक है। जैसे हम देखें यहाँ पर तो हम इसको मानते हैं पीएच को कि 7 पर वो न्यूट्रल है, 7 से अगर कम है तो हम उसको एसिडिक कहेंगे और 7 से अगर ज़्यादा है तो हम उसको एल्केलाइन कहेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यूरिन तो 4.7 to 7.8 है, यानी कि कम भी है और ज़्यादा भी है, तो एसिडिक प्लस एल्केलाइनिटी दोनों ही इसकी यूरिन की होती है। लेकिन अगर 4.7 से कम हो गया तो किस कंडीशन में हो गया, क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस का देखते हैं। तो अगर यूरिन का पीएच जो होता है वो लो हुआ, मतलब कि वो क्या है, एसिडिक है, वो हो सकता है या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन में, या फिर डायबिटीज की कंडीशन में, या डायरिया की कंडीशन में भी यूरिन जो होता है वो एसिडिक हो सकता है। एल्केलाइन किस कंडीशन में होगा, एल्केलाइन हम यूरिन को कब कहेंगे, जब यूरिन का पीएच जो होता है वो हाई होगा 7 से, यानी कि 7.8 से अगर ज़्यादा है तो, या तो किडनी फेल्योर हो गई है भाई आपकी, या फिर डाइट की, मैंने आपको बताया है कि डाइट की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो प्रोटियस बैक्टीरिया होता है, या फिर सूडामोनस इन्फेक्शन होता है, सूडामोनस जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी हो सकता है, या फिर बहुत देर तक आपने अगर यूरिन को होल्ड कर रखा है, वो बहुत दिन तक आप यूरिन करने नहीं गए हो, तो उस कंडीशन में भी यूरिन जो होता है वो एल्केलाइन हो सकता है। वैसे यूरिन को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए भाई, बहुत जब तक रेयर कंडीशन नहीं हो गई कि नहीं जा सकते तो उस कंडीशन में कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन यूरिन को होल्ड नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीजर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन यूरिन सैंपल, जो यूरिन सैंपल है उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है ये बताता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। अगर यूरिन के अंदर मोर सोल्यूट होगा तो यूरिन मोर कंसंट्रेटेड होगा, और अगर कम सोल्यूट है मतलब कि वो कम कंसंट्रेटेड है। मीजर ऑफ कंसंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ किडनी एंड इज डिटरमाइंड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ट्यूबुलर फंक्शन, यानी कि किडनी की जो कंसंट्रेटिंग एबिलिटी कितनी है ना, वो डिटरमाइंड टू गेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, कि ट्यूबुलर फंक्शन के बारे में, कि जो ट्यूबुलर फंक्शन हमारे सही से काम कर रहे हैं या नहीं, जो रीअब्सॉर्प्शन करने का काम करते हैं, हमने देखा था ना अभी आगे, तो वो ट्यूबुलर जो है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा देखते हैं। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है यूरिन की, तो 1.016 to 1.022 in 24 hour sample and also depending on the state of hydration. नॉर्मली कितनी होती है 1.016 to 1.012, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसमें आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन जो होता है वो देखने को मिल सकता है, किसी में 30 दिया हुआ होता है, किसी में 25 दिया हुआ होता है, ज़्यादा नहीं होता है पर थोड़ा बहुत वेरिएशन इसके अंदर होता है।
ये डिपेंड करता है अगला किसके ऊपर, कि हाइड्रेशन की कंडीशन में, कि हाइड्रेशन है या फिर आपने पानी ज़्यादा पिया है या कम पिया है, इसके ऊपर भी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड करती है। अब आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज्ड एज सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज। आगे एक डायग्राम बताती हूँ आपको, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखना, देखो अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज है, अगर मोर सोल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज्ड होगी। और अगर सोल्यूट जो है वो कंसंट्रेशन डिक्रीज है, अगर सोल्यूट कम है, लेस सोल्यूट है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज्ड होगी, यानी कि कम होगी। ठीक है, तो वो सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितनी है सोल्यूट की। अब ये जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का है हम, तो वो होता है एपरेटस का है, तो उसे हम यूरिनोमीटर कहते हैं। यूरिनोमीटर के द्वारा हम देखते हैं, डिटेक्ट बाय यूरिनोमीटर यूरिन इज टेकन इन टू द ट्यूब इन 3.5-4 mm। ठीक है, में हम यूरिन लेते हैं और यूरिनोमीटर के द्वारा हम यूरिन का एग्जामिनेशन, यानी कि यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी का एग्जामिनेशन करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम चेक करते हैं उसका नाम क्या है, तो यूरिनोमीटर। ठीक है, यूरिनोमीटर यानी कि इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द ट्यूब विदाउट टचिंग द वॉल इन अ रोटेशन मोशन। यानी कि जो यूरिनोमीटर क्या होती है, एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब के अंदर इस यूरिनोमीटर को हम डालेंगे विदाउट टचिंग द वॉल इन द रोटेशन मोशन। यानी कि ये जैसे हमारे पास ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, इसके अंदर हमारा यूरिन भरा हुआ है, इसके अंदर हमारा यूरिन भरा हुआ है, और ये जो वॉल है इसकी, इसको बिना टच किए हुए हमारा जो यूरिनोमीटर है उसको हम इसके अंदर डालेंगे। यूरिनोमीटर किसके अंदर डालेंगे, इसके ऊपर मेजरिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर मेजरिंग होती है। अब ये जितना फ्लो कर रहा है, कहाँ पर आकर ये रुका हुआ है, किस जगह पर, वहां से हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मीजर कर लेंगे जितनी भी आ रही है। रीडिंग इज नॉट एट, ठीक है, ये इस तरीके से होता है, ये जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस जगह से हम इसकी रीडिंग कर सकते हैं, ये इसमें, ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है, ये तो टोटल वॉल्यूम है इसकी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर हमने यूरिन डाला है, यूरिन में हमने यहाँ पर ये यूरिनोमीटर डाला है और इस जगह आकर ये रुका है, यहाँ से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी रीड करके यानी कि नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो किस कंडीशन में होगी या डिक्रीज किस कंडीशन में होगी। तो सबसे पहला आता है, एक और कंडीशन होती है इसमें, कि आइसोडेन यूरिया। आइसोडेन यूरिया का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि अगर आपने एक बार करवाया, दो बार करवाया, तीन बार करवाया स्पेसिफिक ग्रेविटी, और अगर बार बार आपकी यही रीडिंग आ रही है, तो उसे हम कहेंगे आइसोडेन यूरिया या फिर फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये किस कंडीशन में होती है, ड्यू टू लॉस ऑफ कंसनट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ ट्यूबुल्स। ठीक है, जो ट्यूबुल्स है उनकी कंसनट्रेटिंग एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, इस कारण यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स हो जाती है। अभी हमने देखा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताती है, कि आपके ट्यूबुलर फंक्शन सही से काम कर रहे हैं या नहीं। सीन इन द एंड स्टेज ऑफ रीनल फेल्योर। अब हाइपरसेन यूरिया, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की ज्यादा है तो किस कंडीशन में होगी। ठीक है, अगर 1.030 से ज्यादा आ रही है तो यह तो डायबिटीज की कंडीशन में, फीवर या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आ सकती है। अब हाइपोसेन यूरिया, हाइपो मतलब कि कम, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.003 से अगर कम आ रही है तो उसको हम कहेंगे हाइपोसेन यूरिया। डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में, एल्कोहल की कंडीशन में, या फिर डाइल्यूट यूरिन, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन है तो उस कंडीशन में भी आ सकती है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आज का यूरिन एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई सा भी पॉइंट इसमें बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आज हमने पढ़ा फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें हमने वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें हमने देखी कि यूरिन का कलर जो है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए, वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, अगर ये इंक्रीज्ड होगा तो क्या होगा और डिक्रीज्ड होगा तो क्या होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और हाँ, अगली क्लास में हम यूरिन एग्जामिनेशन का केमिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे।